रायपुर जिले के अभनपुर में रेत गाड़ी निकासी के नाम पर लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। अभनपुर के ग्राम पंचायत चंपारण में सरपंच और सचिव ने रेत गाड़ी निकासी शुल्क के लाखों रुपए गबन कर लिए हैं। मामले की शिकायत जनपद पंचायत में करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और गबन की गई राशि वसूल करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार गरिया बंजिरे के रावण ग्राम पंचायत के जन सूचना अधिकारी से मिले जानकारी के अनुसार रावण के रेत घाट से साल 2018-19 में लगभग 2400 हाइवा रेत का परिवहन रायपुर जिले में चंपारण ग्राम में किया गया। रेत गाड़ियों की निकासी के लिए चंपारण पंचायत ने प्रति हाइवा 100 रुपए का शुल्क लिया था। वहीं दूसरी ओर चंपारण के जन सूचना अधिकारी उक्त अवधि में केवल 779 रेत हाईवे का परिवहन होना बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शेष 1611 गाड़ियों का निकासी शुल्क पंचायत के प्रमुख पदाधिकारियों ने गबन किया, वहीं अधिकारियों ने मामले को दबाने का प्रयास किया है। मैंने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की थी, लेकिन चंपारण पंचायत द्वारा 789 ट्रिप की ही जानकारी दी जा रही है, जिसमें कुल लगभग 1,30,000 रुपए का मामला है, जिसमें सरपंचों के द्वारा गबन किया गया है। वो पाले रेती आते रावण गरियाबंद जिला में आते, हमन कई बार सब चीज के विरोध करन कि यहाँ से निकासी मत दोगा जन हानि होते।